हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी सा केक। तो उसके लिए मैं यहाँ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ और ये 2-3 कप जो है पिसी हुई चीनी। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, ऑयल और चीनी को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बड़े कप से जो है, सबसे बड़ा वाला जो कप होता है उससे हम 1 कप मैदा लेंगे और 1/4 कप कोको पाउडर, इन सारी चीज़ों को, और 1/4 टी स्पून जो है बेकिंग सोडा और 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके छान लेंगे। फिर उसके बाद हम जो चीनी का मिक्सचर था उसमें डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे अच्छे से एक बैटर बना लेंगे, एकदम परफेक्ट। देखिए हम इस तरह से लगातार चलाते हुए, देखिए इस तरह से शाइनी बैटर बन के तैयार हो गया हमारा। हमने पहले ही केक टिन को ग्रीस करके और इसमें बटर पेपर लगा दिया है और सारे बैटर को इसमें अच्छे से ट्रांसफ़र करके अच्छे से इसे टैप कर देंगे ताकि एयर बबल जो है सारे निकल जाए। और मैं यहाँ कढ़ाई में बना रही हूँ, नीचे रेत डाल के स्टेन लगा के इसमें अच्छे से ढक के ढक्कन लगा देंगे। इसमें बहुत ही अच्छे से केक बन जाता है। देखिए बहुत ही अच्छे से फूल चुका था हमारा केक, ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी 3 लेयर कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ धागे से अच्छे से इसको 3 लेयर में कट कर लूँगी। बहुत ही अच्छा सा जालीदार सा हमारा जो है इसका स्पॉन्ज बना है। मैं क्रीम पहले ही तैयार करके रख ली थी, उसके बाद क्रीम लगा के हम बेस रखेंगे। फिर शुगर सिरप से इसे अच्छे से सोख करके गनाश डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इस पे डालेंगे क्रीम। ये बहुत ही यमी लगता है खाने में। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। तो हम सेम प्रोसेस से तीनों लेयर पे शुगर सिरप से पहले इसे सोख करके उसके बाद गनाश डाल के इसे अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे। आप चाहे तो गनाश क्रीम के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे भी केक बनाना उतने अच्छे से नहीं आता है, अभी मैं सीख ही रही हूँ, इसीलिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स भी नहीं है केक बनाने के। मैं बहुत ही जुगाड़ू तरीके से इसे बना रही हूँ। तो बस मैंने किसी तरह से इसे फाइनल इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है क्रीम को, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मुश्किल से। तो मैं यहाँ ड्रिपिंग कर रही हूँ और इस तरह से मेरे पास नोज़ल भी नहीं था तो बिना नोज़ल के सिंपल सा डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ। तो अगर आपको भी केक बनाना नहीं आता और आप सीखना चाहते हैं तो इस तरह से सिंपल डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इस तरह से वाइट चॉकलेट की लाइन डाल के ये डिज़ाइन तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। पहले व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके उसे इस तरह से लाइन करके टूथपिक की मदद से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इस तरह से घुमा दे, बहुत ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन देखने में। तो बस हमारा केक बन के हो गया है तैयार। अब हम इसे आपको कट करके दिखाते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था और घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए बहुत ही सुंदर देखने में तो है ही और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।